नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपने एजेंडे और मुद्दे सेट करने शुरू कर दिए हैं। कोई बजरंग बली को मुद्दा बना रहा है, कोई भगवान शिव के चरणों में जा रहा है। इन्हीं कोशिशों के बीच दमोह के गंगा जमुना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बच्चियों पर हिजाब जैसा स्कार्फ पहनने का दबाव बनाने के मुद्दे ने अब तूल पकड़ लिया है। आपको ध्यान जरूर होगा कि मध्य प्रदेश में हिजाब का मुद्दा अक्सर कर तूल पकड़ लेता है। सत्ता विरोधी लहर और अंदरूनी खींचतान का सामना कर रही सत्ताधारी भाजपा के लिए गंगा जमुना स्कूल का मुद्दा उसके एजेंडे के माकूल ही साबित हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस मसले पर चुप्पी साध रखी है। आज आपको इस खास रिपोर्ट में बताते हैं कि कांग्रेस के चुप्पी साधने की वजह क्या है, क्यों आखिर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपना मुंह बंद कर रखा है। पिछले महीने के अंत में गंगा जमुना स्कूल ने कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में अपनी सफलता का जश्न मनाने वाला एक पोस्टर लगाया। इसमें हिंदू छात्राओं को हिजाब जैसे हेडस्कार्फ में दिखाया गया था। बाद में स्कूल पर धर्म परिवर्तन कराने में शामिल रहने और छात्रों को इकबाल का गीत लब पे आती है दुआ को गाने के लिए मजबूर किए जाने का आरोप लगाया गया। अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में स्कूल को धर्म परिवर्तन के आरोपों पर क्लीन चिट दे दी। हालांकि बाद में सीएम और गृह मंत्री की सख्ती के बाद पूरी कहानी ही बदल गई। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान में इससे एक मुद्दे के तौर पर भुनाने की पूरी कोशिशें की। जैसे ही स्कूल प्रशासन के खिलाफ विरोध तेज हुआ, मुख्यमंत्री चौहान ने छतरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में स्कूल प्रशासन पर हमला बोल डाला। उन्होंने कहा कि मुझे दमोह में बताया गया कि स्कूल में लड़कियों को हेडस्कार्फ पहनने को कहा जाता है, विदेश के बंटवारे की बात करने वाले शख्स की शायरी पढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसी चीजें नहीं होने दी जाएंगी। पहले भी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ऐसे मुद्दों पर मुखर रहे हैं। इन सबके बीच सीएम शिवराज ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो शिक्षा नीति बनाई है उसका पालन करना होगा। स्कूल में अगर कोई गलत पढ़ाता है, गलत शिक्षा देता है या किसी को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करता है तो इस तरह के स्कूलों को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हम मध्य प्रदेश में ऐसा स्कूल नहीं चलने देंगे। सीएम शिवराज के इस बयान से सियासी तपश तेज हो गई है। सबसे तीखा हमला राज्य भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बोला, जो चुनावी मशीनरी को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि यह राज्य में धर्मांतरण की मुहिम चलाने की कोशिश का हिस्सा था। मध्य प्रदेश के लोग शांत, नरम और स्वागत करने वाले हैं। सूबे में धर्म परिवर्तन का मुद्दा बड़ा है। ये राज्य के लिए एक छुट्टा मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप है। कांग्रेस के इस चुप्पी को भाजपा के जाल में फंसने से बचने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस सूत्रों ने ये बात कही है कि ये एक ऐसा मुद्दा था जिसके बारे में पार्टी नेतृत्व बोलना नहीं चाहती। हम ऐसे मुद्दे में क्यों शामिल होंगे जो गढ़ा गया है। हम स्थानीय मुद्दों के जरिए चुनाव लड़ेंगे। आगे मध्य प्रदेश की राजनीति में आगे और क्या कुछ होगा आपको बताएंगे। बने रहें इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश के साथ। धन्यवाद।